नमस्कार प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पीआर के साथ। देखिए, आपके लिए ये खबर है और देखिए और समझिए, क्या आप भी फोन पे और गूगल पे यूज करते हैं? अगर फोन पे यूज करते हैं तो आपके लिए यह खास खबर है। देखिए, बिहार का लाल हमेशा कमाल करते हुए आता है और एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। भागलपुर से जुड़ी हुई ये खबर है, जो फोन पे में एक युवक ने सबसे बड़ी गलती को ढूंढा है और एक बड़ा नुकसान होने से बचाया है। यानी यूं कहिए कि लोगों को नुकसान होने से बिहार का लाल ने बचाया, वो भी फोन पे। जो भी फोन पे यूज करते हैं उनके लिए यह राहत भरी खबर है कि फोन पे में गलती ढूंढने के बाद मेल किया गया। मेल करने के बाद उधर से यानी फोन पे एजेंसी जो है वो जांच करना शुरू कर दिया गया, उसे सही पाया गया, उसे एथिकल हैकिंग जो कहते हैं हम लोग, उसे दर्शाया गया, उसे चेक किया गया। फोन पे में बिना ओटीपी का किस तरीके से मैसेज आया और उसके बाद सबसे बड़ी कमियां और सबसे बड़ी कमजोरी फोन पे का वो खोजा गया। युवक ने जैसे ही इसे खोजा उसके बाद से ही मानो फोन पे के दुनिया में हड़कंप मच गया। अब किस तरीके से फोन पे में यह कमियां पाई गई, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल आपको बता दें कि एथिकल हैकिंग की दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऐसा काम किया जिससे लोगों का बड़ा नुकसान होने से बच गया। दरअसल भागलपुर बुढ़ाननाथ निवासी मयंक ने फोन पे में बड़ी गलती ढूंढ निकाली। उसने फोन पे को बगैर ओटीपी के बाईपास करते हुए लॉगिन कर लिया और फिर फोन पे को रिपोर्ट किया। फोन पे ने इसकी जांच के बाद मयंक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। मयंक को फोन पे सम्मानित करेगी। मयंक ने बताया कि वह फोन पे चला रहे थे तभी उसने उसमें बग ढूंढ निकाली, बगैर ओटीपी के लॉगिन कर दिया और कंपनी को रिपोर्ट किया। इसमें इस समस्या का समाधान होगा ताकि दूसरा कोई इसका गलत तरीके से उपयोग ना कर सके। आसान शब्दों में कहें तो फोन पे में गलती ढूंढकर गलत होने से बचा लिया गया। बता दें कि मयंक ने पिछले साल गूगल में बग ढूंढ निकाला था। इसमें उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की थी जिसकी मदद से किसी को मेल भेजा जा सकता है। इसकी जानकारी उसने गूगल को दी। गूगल ने मयंक की सराहना करते हुए उसे आईफोन, लैपटॉप एवं कई सामान गिफ्ट किए थे। इतना ही नहीं, मयंक ने नासा के साइट को परख कर पता कर लिया था कि नासा में काम करने वाले लोग की डाटा की लीक की जा सकती है। इसकी सूचना उसने नासा को दी थी। मयंक कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए और एथिकल हैकिंग की दुनिया में नाम कमा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। क्या हुआ, मैं फोन पे से यूपीआई किसी को कर रहा था तो उसमें क्या हुआ कि मैं अचानक मेरे माइंड में आया कि क्या कोई फोन पे को हैक कर सकता है क्या। तो उसके बाद फिर मैं उस पर रिसर्च चालू कर दिया। रिसर्च चालू करने के बाद जो है, जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो उसमें क्या होता है कि मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी वाला सेक्शन आता है। तो उसमें क्या हो रहा था कि मैं अपना टूल से जो है ओटीपी वाला रिक्वेस्ट को हटा देता था और क्या होता था कि देखिए, जो कि सही जो वेबसाइट या ऐप रहता है उसमें अगर आप ओटीपी वाला रिक्वेस्ट हटाते हैं तो वो जो है वो काम नहीं करेगा, वो बिना ओटीपी के लॉगिन ही नहीं होगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू क्या था कि कोई भी इसको हैकर हैक कर सकता था। क्या होता था कि इसमें जो है, हम जैसे इसमें कोई भी अगर नंबर डाले तो ओटीपी जो उसमें मांगता था तो वो ओटीपी में बाईपास करके लॉगिन मार देता था। ओटीपी बाईपास हो जा रहा था उससे, और लॉगिन करने के बाद जो है मैं हेल्प सपोर्ट से कोई भी उनकी जो यूजर्स की जो डिटेल वो पूछ सकता था और उनका ट्रांजैक्शन देख सकता था, जो भी चीज है वो सब। तो इससे क्या हो रहा था कि फोन पे का एक तरह से डेटा लीक हो रहा था। तो इसको जो है मैंने फोन पे को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद फोन पे ने 4 से 5 दिन का समय लिया। उसके बाद फिर फोन पे ने मुझे एक थैंक यू मेल भेजा और उसके बाद जो है उन्होंने मेरे नाम को जो है अपने वेबसाइट के हॉल ऑफ फेम में लिखा है, जिसमें कि आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं फोन पे हॉल ऑफ फेम के नाम से, उसमें मयंक कुमार के नाम से मेरा नाम होगा। तो उसमें क्या है कि नाम पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल खुल जाएगा। फोन पे में ही मुझे सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू मिला है।
मैं मयंक कुमार अभी कलिंगा यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। साल भर पहले मुझे गूगल पे बग मिला था जिसमें कि हैकर जो है वो किसी के मेल आईडी से किसी को मेल कर सकता था और डेटा लीक का कुछ बग मिला था उसमें। तो वो सब मैंने गूगल को रिपोर्ट किया था तो उन्होंने मुझे हॉल ऑफ फेम दिया था और कुछ गिफ्ट्स जो है मेरे घर पे भेजे थे। और उसके कुछ दिन बाद जो है मैं फिर नासा पे रिसर्च करने लगा कि नासा को कोई हैक कर सकता है कि नहीं। तो जैसे मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो उस पर क्या हो रहा था कि एम्प्लॉय का जो है वो डेटा लीक हो रहा था, जैसे कि ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब लीक हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने जो है नासा को रिपोर्ट किया कि